अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा के हवाले से न्यूज़ शेयर करेंगे जिन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया है। ये अदाकारा कौन है और इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला क्यों किया, मुकम्मल तफसीलात आगाह करने से पहले आपसे है छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस। जी तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की बहुत ही मशहूर और खूबसूरत सी अदाकारा जिन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया है। इन्होंने यह फैसला सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की खातिर किया है। पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा सिद्रा बतूल, जो अब तक बहुत से ड्रामों में काम कर चुकी हैं, इसके अलावा बहुत से फैशन ब्रांड के साथ भी काम कर चुकी हैं और ब्राइडल फ़ोटोशूट भी करवा चुकी हैं, इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया है। सिद्रा बतूल का कहना है कि इन्होंने यह फैसला सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की खातिर किया है। सिद्रा बतूल के एक मदा ने जब इनसे शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ने की वजह पूछी तो इनका कहना था कि मुहर्रम में मैंने हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद किया। इनका कहना है कि मैंने हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को देखते हुए अपनी ज़िंदगी इनके मुताबिक गुजारने का फ़ैसला किया है। इनका कहना है कि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। इसके साथ साथ सिद्रा बतूल का यह भी कहना है कि अगर शोबिज़ इंडस्ट्री में किसी ड्रामे में मुझे हिजाब के साथ रोल करने की ऑफ़र हुई तो वो ज़रूर करेंगी। इसके साथ इनका यह भी कहना है कि अगर हिजाब के साथ ब्रांड फ़ोटोशूट भी करवाया गया तो वो भी ज़रूर करेंगी। व्यूअर्स, यहाँ आपसे ये भी शेयर करती जाऊँ कि सोशल मीडिया पेज पर सिद्रा बतूल के इस फैसले को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और इनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। व्यूअर्स, आपको सिद्रा बतूल का ये फैसला कैसा लगा और अगर आप भी इस फैसले को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।